ओके, ये है दिलीप अग्रवाल, एक्टर्स क्रिकेट बैश के कर्ता धरता। तो इसके पीछे जितना भी एंथुजियाज़म है, जितनी भी मेहनत है, और वो सब दिलीप अग्रवाल ही करते हैं। ही इज़ वन मैन आर्मी। इनके आसपास लोग हैं, हंसित है, राहुल है, सब करने वाले, लेकिन जो माइंड है इस टूर्नामेंट को चलाने वाला वो यही है, एक्टर्स को लेकर टूर्नामेंट करना है। बिकॉज सबकी शूटिंग होती है, सबके कमिटमेंट होते हैं, उनको निकालना वहाँ से, उनको मैचेस खिलाना, कितना डिफिकल्ट है दिलीप आपके लिए? राहुल, सबसे पहली बात तो ये एक अकेला काम नहीं है, एक्टर्स का सपोर्ट है। वो लोग अपना टाइम निकालते हैं इतने शूट से, और बस उनको कोई चाहिए था कि भाई मिला देवे और खिलाए, तो मैं बस वही काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं, बाकी सब आप लोग कर रहे हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपका ये बॉक्सी बॉयज आपने शुरू किया, तो ये एक्टर्स क्रिकेट बैश का माइंड में ख्याल कैसे आया? अब बॉक्सी बॉयज हमने शुरू किया था 15-20 जनों के साथ में, जो पहले शुरुआत में तैयार थे खेलने के लिए सीरियस क्रिकेट। एक अच्छी टीम बन गई थी, तो एक्टर्स समझ में आ गया कि भाई एक अच्छी टीम है, यहाँ पे सीरियस क्रिकेट चल रहा है। तो आते गए आते गए आते गए, और थोड़े सालों में हमारे पास में 100 से ज़्यादा एक्टर आ गए क्रिकेट खेलने के लिए। अब टीम एक और 100 एक्टर कैसे संभाला जाए? तो फिर हमने सोचा कि इनका भी हक बनता है कंपटीशन लेवल का क्रिकेट खेलने का। सबसे बात की, सबसे सबने बोला हाँ, वी आर इंटरेस्टेड, विल डू, एंड हाँ, यहाँ से बैच निकलाया। ACB सीजन 1 से क्या उम्मीदें थी, एंड हाउ यू फेल्ट आफ्टर फिनिशिंग द टूर्नामेंट? ACB सीजन 1 वाज आई थिंक द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज इट वाज अ ड्रीम इन द एंड ऑफ द डे। लाइक लास्ट 4-5 साल से हम कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे करूँ। प्लान करना अलग चीज़ है, मगर उसको एग्जीक्यूट करते टाइम अगर वो सक्सेस हो जाता है, कोई क्लिच नहीं आती है, कोई वो नहीं होता है, और एक्साइटमेंट जब प्लेयर्स खुश होते हैं कि भाई हाँ, उनको कुछ मिल गया, ना तो पैसे थे ना कुछ, हम तो खेल रहे थे खाली, बट उनको खेलने मिल गया इतना कॉम्पिटिशन, वो एक सेटिस्फैक्शन जो है वो आज तक मुझे और किसी चीज़ में नहीं मिला। अभी बीच में कोविड गया, ये टूर्नामेंट एक्चुअली लास्ट ईयर होना था, तो क्या चैलेंजेस आए? सबसे बड़ी चैलेंज तो ये आई थी कि सब बंद था, हम ना तो प्रैक्टिस कर पाते थे, नहीं हम लोग ये सोच भी सकते थे कि अभी घर के नीचे जाके क्रिकेट खेलें या कुछ करें। तो सबको ये डर था कि सब लोग अब मिलेंगे कैसे, सब लोग ज्वाइन कैसे होंगे, और कब शुरू होगा, डेट का तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि कब होगा। तो वी वर ऑल इन लिम्बो, लाइक वी से, यू नो, एंड आई वाज लाइक एवरी डे थिंकिंग कि कब हो रहा है। मैं सब जगह न्यूज़ देख रहा हूँ, सब जगह ट्राइंग टू रीच एंड से व्हाट इज़ द न्यूज़ अबाउट बॉम्बे। आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन बॉम्बे देन होल ऑफ इंडिया ओपनिंग आउट, बिकॉज आई थिंक होल ऑफ इंडिया में तो शुरू भी हो गया था, मगर हमारे मुंबई में शुरू नहीं हुआ था। सेकेंडली, स्पॉन्सर्स थे हमारे जो पहले ऑलरेडी आ चुके थे, वो उनके बैकआउट होने का डर था, अगर वो बैकआउट हो जाते हैं तो वो और टेंशन हो जाता है। 10 महीने हो गए थे, तो उनसे बातें करना, उनको समझाना, प्लेयर्स को बताना कि नहीं होने वाला है। थैंक गॉड इन द एंड ऑफ द डे मिल गया, जिस दिन मिला उस दिन मैं कितनी खुशी मेरे में होगी पता नहीं, मतलब धनराज सर से मिला, सबसे बोला कि मेरे को ये पहला मेरा ही करना है और मेरे को और डिले नहीं करना है, एंड दे सपोर्टेड मी, एंड देन यस, हियर वी आर। क्या प्रिकॉशंस आप ले रहे हो कि इस टूर्नामेंट में भी, कोविड के हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं उनको क्या हम फॉलो कर पा रहे हैं? हमने, आपने देखा होगा, सब आपके डगआउट्स के अंदर भी सैनिटाइजर लगे हुए हैं, वी आर सैनिटाइजिंग ऑल द होल प्लेस बिफोर द टूर्नामेंट ऑल्सो, वी हैव गिवन अ बिगर डगआउट सो दैट पीपल कैन सिट विद अ लिटिल सोशल डिस्टेंसिंग, वी हैव गिवन फूड ऑल्सो इनसाइड द डगआउट सो दैट बाहर के लोग मिक्स नहीं हो। एंट्री पे भी चेक पॉइंट्स है हमारे, टेम्परेचर, ऑक्सीमीटर, नाम लिया जाता है किसके नाम पे कौन कितना है क्या, तो हमें सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने एक एक्स्ट्रा स्पेशल प्लेस भी बनाई है वेटिंग एरिया करके, जहाँ पे जो दूसरी टीम पहले आ जाएगी मैच खत्म होने के पहले, तो वो वहाँ चली जाती है, वो उस तरफ चली जाती है। तो या वी हैव केप्ट सैनिटाइजर ऑल ओवर द ग्राउंड, अंपायर्स हैव बीन वेरी क्लियरली टोल्ड दैट अगर बॉल बाहर जाती है तो एक बार एक सैनिटाइज करके फिर हाथ में दिया जाए, और सब कोई भी प्लेयर इसको स्पिट नहीं करेगा, स्पिट नहीं लगाएगा, हाथ मुंह में नहीं डालेगा। तो एवरीबडी इज़ फॉलोइंग रिलीजियसली, इट्स नॉट जस्ट अस सेइंग दैट। प्लस हम जब अंदर ग्राउंड में आते थे, हर एक प्लेयर, हर एक इंसान मास्क पहन के आया होता है, ऑफकोर्स खेलते टाइम तो पहन नहीं सकते। इनवाइट्स भी ज़्यादा नहीं दिए हमने, कंट्रोल रखा कभी इनवाइट्स नहीं देंगे हम, पिछली टाइम की तरह ओपन नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फॉलो व्हाट इवन BMC सेइंग, बिकॉज
दे नो बेस्ट, हम कुछ भी सोचे बट दे नो बेस्ट, सो दे कैन ओनली हेल्प अस इन गाइडिंग अस व्हाट टू डू, एवरीथिंग वी हैव टू डू, हमको ही करना पड़ेगा, हमको ही अपना खुद की सेफ्टी देखनी पड़ेगी। ए सी बी टू से क्या उम्मीदें हैं? ओवरऑल इट इज लुकिंग लाइक अ मच बेटर इवेंट देन द लास्ट ईयर, एंड फ्रॉम हियर वी आर लुकिंग एट अ मच बिगर प्लेटफॉर्म फॉर ए सी बी, वी हैव मैनेज टू गेट इट ऑन एमएक्स लाइव, hopefully we'll also have another channel next time to come on board and we'll have a much different level of broadcast and entertainment and fun. Inke liye cricket sirf passion nahi hai, cricket khelne wale enjoy kare, wo entertain ho, wo bhi utna hi important hota hai. He is not a regular organizer ki acha theek hai maine tournament kara liya mera kaam khatam ho gaya. He makes sure ki sab log comfortable ho, jaise last year bhi ek major injury hui thi और सावंत कोई इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, तो ही इज़ वेल इक्विप्ड विद एवरीथिंग, एम्बुलेंस बाहर खड़ी रहती है, जितने भी प्रिकॉशन पॉसिबल हैं इन दिस कोविड सिचुएशन ही इज़ टेकिंग ऑल पॉसिबल केयर, सो आई हैव नो डाउट अबाउट इट, आई एम श्योर ऑल द प्लेयर्स रियली लव दिलीप फॉर दिस एंड दिलीप विशिंग यू ऑल द लक फॉर एसीबी टू। थैंक यू सो मच एंड आई थिंक इट्स फ्रॉम माई साइड आई एम विशिंग ऑल द प्लेयर्स ऑल द टीम्स यू शुड हैव फन, प्ले इन फेयर स्पिरिट, एंजॉय योरसेल्व्स and of course give entertainment to the spectators.